हे गाइस, वेलकम बैक टू 06 स्टडी पॉइंट। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके ग्रुप टी के एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक आरआरबी का वेंडर फिक्स नहीं हुआ है, तो आपको पता है कि एग्जाम तो अभी कंडक्ट नहीं होने वाला है। तो एग्जाम कब तक कंडक्ट होगा? सीधी सी बात है, पहले आपका एनटीपीसी कंडक्ट कराया जाएगा, बिकॉज एनटीपीसी की जो आपकी डेट थी वो आपकी जून से सितंबर के बीच थी, बट अभी तक वो कंडक्ट नहीं हुआ है। सो पहले आपका एनटीपीसी कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप एनटीपीसी के 30 डेज भी मिनिमम मानते हो, तो उसके बाद आपके 15 टू 20 डेज के बाद ही आपका एनटीपीसी कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास मिनिमम डेज हैं 45 ग्रुप डी के लिए, मिनिमम 30 डेज हैं आपके पास एनटीपीसी के लिए। ये हम मिनिमम डेज ले रहे हैं, ये कोई एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं, इससे ज्यादा ही टाइम आपको मिल सकता है। तो मिनिमम डेज हम लेकर चलते हैं, तो आरआरबी ग्रुप डी के लिए आपके पास है 45 डेज। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे 45 डेज स्ट्रेटजी की। 45 डेज के अंदर आपको एक गवर्नमेंट जॉब किस तरीके से मिलती है, उसी के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर गाइस आपके सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की, और किस तरीके से आप एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो और एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आपका सिलेबस, पहले हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि आपका जो पेपर होगा वो आपका 90 मिनट का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आपके 100 होंगे। जनरल साइंस के गाइस जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज जिस चीज से आपका सिलेक्शन हो जाएगा वो है आपकी जनरल साइंस और मैथमेटिक्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप इन दोनों में पूरे पूरे मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन सिर्फ इन दो सब्जेक्ट से ही हो जाएगा। और अगर ये दोनों में से आपकी एक भी चीज वीक है और आप उसको प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन किसी कीमत पर नहीं होने वाला। ये बात आप एक्सेप्ट कर लो एक अच्छे बच्चे की तरह। ठीक है गाइस, सो अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, तो आज से अभी से मैथमेटिक्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, ना कोई बुक खरीदनी है, ना कुछ करना। सिंपली आपको ग्रुप डी के पहले वाले ALP, RRB, JEE और NTPC जितने भी पेपर आपको RRB के मिलते हैं, 200 के आसपास आपके पेपर हो जाएंगे अगर आप कलेक्ट करोगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा जहां पर आपको सभी पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो डाउनलोड करके सिर्फ आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग सिर्फ वही सॉल्व करनी है। इधर उधर फालतू का कुछ भी नहीं देखना है, ना टेस्ट पेपर बाय करने रीजनिंग के लिए, ना कुछ कुछ भी नहीं, नथिंग। वो आपकी मोर देन सफिशियंट होगी अगर आप सिर्फ उसी को कर लेते हो। ठीक है गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस की हम बात करें। तो करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के लिए आप कर सकते हो, या आप बुक ले सकते हो, ल्यूसेंट ले सकते हो, ये तो जनरल साइंस के लिए। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में आपका ये भी आ जाएगा, जो पॉलिटी होती है, हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री पॉलिटी, आपके जितने जितने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपके 10th लेवल तक के होते हैं, वो तो आएंगे ही। उसी के साथ आपको करंट अफेयर्स 2019 के पूरे कंप्लीट करने होंगे। सिर्फ 2019 के काफ़ी हैं, 2019 के काफ़ी हैं, मोर देन इनफ है, सिर्फ और सिर्फ 2019 के, वहीं से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस में आप कितना भी ट्राई कर लो, कितनी भी ज़्यादा मेहनत कर लो, आपके 12 से 15 मार्क्स तक ही आएंगे। मैक्सिमम आप 20 स्कोर नहीं कर सकते इसमें। बट जनरल साइंस और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप प्रैक्टिस करो, एवरी डे प्रैक्टिस करो, तो आप कितना कर सकते हो, 25 out of 25 एंड 25 out of 25, और रीजनिंग में आप 30 out of 30 स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप इसको ना भी देखो, इसको ना भी करो, तो भी आपका सिलेक्शन सिर्फ इन तीन सब्जेक्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? बात को समझो अच्छे से और ध्यान दो इस पर जो भी मैं आपको बता रहा हूं। और मैथमेटिक्स में जो गाइस आपके टॉपिक्स आएंगे वो आपके ज़्यादा कुछ हार्ड टॉपिक्स नहीं है। एक टॉपिक तो हो गया आपका नंबर सिस्टम, बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन, आपके डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मैंजुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी टॉपिक्स आपके आने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एलजेब्रा हो गया आपका, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एलिमेंट्री स्टैटिक्स हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, और आपका एज कैलकुलेशंस हो गया, कैलेंडर एंड क्लॉक हो गया। कैलेंडर एंड क्लॉक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल पर कैलेंडर ऑलरेडी अवेलेबल है, और इस तरीके का अवेलेबल है कि अगर आपने एक बार कैलेंडर पढ़ लिया, पूरी सीरीज दी हुई है मैंने 10 से 12 लेक्चर्स की, तो अगर आपने एक बार कैलेंडर कर लिया तो आप गाइस आपका कोई भी क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप वहां से कैलेंडर एंड क्लॉक पढ़ सकते हो। उसी के साथ आपके और भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, और इसी के साथ आपका कैलेंडर एंड क्लॉक्स आएगा, उसी के साथ आपका पाइप्स एंड स्टर्न्स आएगा, और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन आएंगे जो आपके एक्सेट्रा में इन्होंने दिए हुए हैं। तो जितने ये टॉपिक्स हैं आपके
17 से 18 टॉपिक्स होंगे जिनको आप सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन के अंदर कवर कर सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ो। कवर करने के लिए आप यूट्यूब को यूज़ कर सकते हो, अनअकैडमी को यूज़ कर सकते हो। हाँ, मेरे को पता है कि बहुत सारे चैनल्स ने अपने जो पेड कोर्सेज चलाए हुए हैं उनको आपको खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर इतने अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स से रिलेटेड चैनल हैं, तो उनको जाओ, उनको ओपन करके देखो, उनको सब्सक्राइब करो और उनकी वीडियोस देखो। आपको ये नहीं सर्च करना कि आपका आरआरबी का लेक्चर कौन सा है, आपको सिर्फ टॉपिक सर्च करना है। आपको टॉपिक से मतलब है, अगर आप टॉपिक से करोगे तो वो आपको कंप्लीट टॉपिक मिलेगा, बट अगर आप आरआरबी से रिलेटेड करोगे तो सिर्फ उस टाइप के क्वेश्चंस देंगे। आपको ये भी पता है कि इस बार आपका वेंडर चेंज होने वाला है तो पेपर का लेवल भी चेंज ही होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके सभी क्वेश्चंस पिछली बार जैसी लैंग्वेज, ठीक है। क्वेश्चन तो देखो गाइस आपके सेम ही आते हैं हर बार हर एक पेपर में, बट डिपेंड करती है आपकी लैंग्वेज क्या दी हुई है। समटाइम्स कोई कोई आपका वेंडर लैंग्वेज इतनी ज़्यादा हार्ड कर देता है, टफ कर देता है कि आपका इजी क्वेश्चन भी आपको हार्ड लगता है। सो सिंपल सी चीज़ है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल आपको सर्च करना है यूट्यूब पे नंबर सिस्टम का जो भी आता है खत्म कर दो, उस वीडियो को पूरा देखो, 2 घंटे के 3 घंटे के 4 घंटे के खत्म करो, और फिर अपने डायरेक्ट उस वीडियो को देखकर उसका अपने नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद बुक उठाओ, बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस को सोल्व करो। क्वेश्चन सोल्व होते हैं तो ठीक है, वरना उस वीडियो को फिर से देखो, अनदर वीडियो देखो, और वीडियो देखो और देखो। इस तरीके से आप एक एक दिन में अपना एक एक टॉपिक खत्म कर दोगे। ज्यादा बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, वो सिंपली आपको बता देंगे कि क्या क्या आपके फॉर्मूलाज है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज लेके जाएंगे, फॉर्मूलाज ड्राइव कैसे हुए, निकले कैसे, उसके बाद क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, सभी वो आपको इजिली बता देंगे। और मेरे चैनल पर भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैथमेटिक्स पूरी करा पाऊं एग्जाम्स से पहले, ठीक है, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए। उसी के साथ गाइस अब बात आती है आपकी जनरल साइंस की। जनरल साइंस के लिए आपको सिंपली कुछ यूज नहीं करना है, आप यूज कर सकते हो ल्यूसेंट, ठीक है, ल्यूसेंट की क्वेश्चन वाली बुक्स ले सकते हो, वो भी काफी अच्छी है। और ल्यूसेंट की आप ग्रीन वाली आती है, जनरल नॉलेज वाली भी आती है, जनरल साइंस वाली भी आती है, तो ल्यूसेंट आपकी मोर देन इनफ है सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस के लिए 10th लेवल तक की। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ना चाहते हो तो आप चाहते हो कि आपका टाइम भी सेव हो और कुछ अर्निंग भी हो जाए, तो कोई भी एक 10th 9th 10th के दो बच्चों को पकड़ो, ठीक है, उनको ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दो, तो आपकी इजीली हो जाएगी जनरल साइंस, क्योंकि उनका क्वेश्चंस होंगे और जहां वो क्वेश्चंस पूछेंगे आप ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है। बट अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आप सिर्फ पढ़ते जाओगे, आपका रिवीजन नहीं होगा, आप इतना डीपली नहीं पढ़ोगे। वहीं अगर आप किसी अगर अनदर बंदे को पढ़ाओगे तो आप उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ाओगे ताकि उसको अच्छे से समझ में आए और उसके क्वेश्चंस आपके भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जनरल साइंस को काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है गाइस। सो ये तो हो गया आपका जनरल साइंस का और आपका मैथमेटिक्स का। और जनरल इंटेलिजेंस ही आपको पता है प्रीवियस ईयर पेपर से करनी है, जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स करने हैं। जनरल अवेयरनेस में सच बताऊं तो आपके करंट अफेयर्स ही आने वाले हैं, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, पॉलिटी में अगर कोई आएगा तो आपका रिसेंट आर्टिकल में क्या चेंज हुआ है, अमेंडमेंट से रिलेटेड क्या टॉपिक आजकल चल रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके आने वाले हैं। और फेमस पर्सनैलिटीज आपके डिफरेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, आपका ये एग्जाम बोल रहा हूँ, आपका ये मैच कहाँ कंडक्ट हुआ, आपका ये गेम का स्पोर्ट्स का कंडक्ट हुआ, इसका विनर कौन था, किस कंट्री में, किस स्टेडियम में, किस तरीके से विनर कौन था, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। फेमस पर्सनैलिटी का अवार्ड कहाँ से मिला, इस बुक का लेखक कौन है, या फिर बुक का क्या नाम है, इस लेखक के द्वारा रिलीज करी गई, समथिंग लाइक दैट ऑफ क्वेश्चंस आपके आएंगे। अभी रिसेंट कोई फेमस पर्सनालिटी डाई हुई है तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाएगा, दिस टाइप के क्वेश्चंस सभी आपके आने वाले हैं। और महात्मा गांधी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा ही आएगा। सो एक बार महात्मा गांधी को लोअर उसके सारे टॉपिक जितने भी हैं वो सब खत्म कर दो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है गाइस। मेरे ख्याल से ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और अब आपको मैं बताऊंगा इसकी नेक्स्ट वीडियोस में कि आप 45 डेज में किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं, क्या आपने टाइम टेबल बना सकते हैं, तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लो ताकि उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या टाइम टेबल, क्या स्ट्रेटेजी यूज करके आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है गाइस। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्यूचर की सभी अपडेट्स को पाने के लिए। सो विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।